जब टीम इंडिया इधर राजकोट की जमीन पर साउथ अफ्रीका को बुरी तरह हराने में जुटी थी, उधर मलेशिया की माटी पर एक ऐसा T20 मैच खेला जा रहा था जिसमें एक टीम की भयानक दुर्दशा देखने को मिली। न रन चेंज करते हुए इधर भारत के खिलाफ साउथ अफ्रीका जीत पाई और ना ही उधर वो टीम। हम बात कर रहे हैं कुआलालंपुर में खेले मलेशिया और सिंगापुर की महिला टीमों के बीच मुकाबले की। ये मैच एशियन क्रिकेट काउंसिल की ओर से कराए जा रहे वुमेन्स T20 चैंपियनशिप का हिस्सा था। अपनी जमीन पर खेले इस मुकाबले को मलेशिया ने 117 रन के बड़े अंतर से जीता। मुकाबले में पहले मलेशिया की महिला क्रिकेट टीम ने और 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 171 रन बनाए। जवाब में सिंगापुर की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी और सिर्फ 54 रन बनाकर ढेर हो गई। सिंगापुर की टीम सिर्फ 17.4 ओवर ही विकेट पर जम पाई। 172 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सिंगापुर की टीम से 54 रन भी नहीं बनते। अगर मलेशिया ने एक्स्ट्रा में 22 रन नहीं दिए होते, एक्स्ट्रा में आए रनों की संख्या उतनी ही है जितनी कि सिंगापुर के 9 बल्लेबाजों ने मिलकर स्कोर बोर्ड में जोड़ी है। सिंगापुर के सिर्फ एक ही बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को छू सकी, बाकी बल्लेबाज सिंगल डिजिट पर ही डग आउट लौट गए। कुछ का तो खाता ही नहीं खुला। ओपनर विघ्नेश्वरी पशुपति ने सबसे ज्यादा 10 रन बनाए। मलेशिया ने सिंगापुर के खिलाफ अपने एक तो नहीं बल्कि पूरे 8 गेंदबाज अजमाए। उन 8 में से एक को छोड़कर सभी को विकेट लेने में सफलता मिली, यानी गेंदबाजों ने अपना काम बाखूबी किया। लेकिन इससे पहले मलेशिया की बल्लेबाजी भी कमाल की रही। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।